कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, वह हिमालय की गोद में रहकर पूरे देश की रक्षा करते हैं। वहीं उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि इस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगी नहीं। इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि कार्यकर्ता कांग्रेस की ताकत है और कांग्रेस ने देश की आजादी और एकता के लिए बलिदान दिया है। आप खासकर उत्तराखंड के लोग हिम्मत वाले हैं और सारे देश को बचाने वाले हैं। हिमालय के गोद में रहकर सारे देश को आप बचाते हैं, इसीलिए मैं आप सबको मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूं। जो लोग मिलिट्री में ज्यादा है, फौज में ज्यादा है, अपनी जान देते हैं। अब हमारी जो यात्रा निकली थी अपना मणिपुर से, मणिपुर अच्छा यात्रा हुआ, नागालैंड अच्छा हुआ। जब हम अपने आसाम में एंटर हो गए तो वहां पर शुरू हो गई गड़बड़, रोकना, गाड़ियों को पत्थर मारना। क्यों भाई, जब राहुल जी अपनी यात्रा कन्याकुमारी दक्षिण से निकली और कश्मीर तक चली, एक ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जो बीजेपी की सरकार आसाम में है वहीं पर यह गड़बड़ हुआ, वहीं पर पत्रे मारे गए, वहीं पर हमारे पोस्टर फाड़े गए, वहीं पर हमारे झंडे निकाले गए। लेकिन हम डरने वाले नहीं और डर के भागने वाले नहीं। डर के कोई अपना देश छोड़ता है, अपनी सरहद छोड़ता है? उस सरहद पे तो आप बैठे हैं। जब तक आप सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ हिला नहीं सकता। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने दिया देश को एक रखने के लिए, और इस देश के आजादी के लिए तो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जेल में अनेक दिन रहे, अनेक साल रहे और आजादी मिली। अरे कांग्रेस पार्टी के तो लोग फांसी पे चढ़े, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घर बार छोड़ के आजादी के लिए लड़े, कांग्रेस के लोग कॉलेज सभी छोड़ के, पढ़ना लिखना छोड़ के बाहर आए, अपनी संपत्ति की परवाह न करते वो लोग आजादी के लिए लड़े। और ये हमको सिखाते हैं देश क्या है, आजादी क्या है, पेट्रियोटिज्म क्या है, हमको सिखाते हो। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने आजादी के बाद जो बड़े बड़े कारखाने बनाए थे, बड़े बड़े डैम बनाए, मैं आपको अगर बताऊं, सिर्फ मैं यहाँ पर 1974 में आया था पंतनगर यूनिवर्सिटी देखने के लिए। मैं बोर्ड ऑफ रीजेंट था, मेरी उम्र उस वक्त 30 साल की थी। तो मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी देखकर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पंतनगर, फिर हिमाचल में पोटैटो ये था सेंटर, ऐसे सब देखते हम बहुत घूमे थे। वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी किसने बनाया? अरे बोलो भाई, किसने बनाया? अरे कांग्रेस ने बनाया। और एनआईटी उत्तराखंड कौन बनाए? एम्स, आईआईएम, एचएनएम, बीएचईएल, एचएएल, बीएल, बीएल, ओएनजीसी, गेल, सेल, ये सब हमने बनाया। कई हजारों लोगों को नौकरी मिली है, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिली है। बताओ, हम सब ऐसे बनाओ जो नेहरू जी ने बनाया। हरी क्रांति हमने की, महिलाओं को, दलितों को सहूलतें देने का और इस देश का संविधान लिखने का नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया वो आप सबके लिए किया है। और गरीबों के लिए मनरेगा स्कीम लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, सूचना का अधिकार दिया, और क्या नहीं दिया। जितना हमने किया इनों गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। तो भाइयों, उनका नजरिया अलग है, हमारा अलग है। हम देश के लिए बहुत कुछ कुर्बानी भी किए, काम भी किए। और नेहरू जी तो दूरदृष्टि वाले थे, उन्होंने देश को जितना विकसित किया, किसी देश में महिलाओं को वोटिंग का पावर नहीं था, लेकिन यहाँ पर नेहरू जी और अंबेडकर जी ने सोचा अडल्ट फ्रेंचाइज, महिलाओं को भी उतना ही हक है जितना पुरुषों को है,
दोनों को वोटिंग पावर दो। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक होकर, एकजुट होकर बूथ लेवल पे काम कीजिए, और बूथ लेवल पे काम नहीं होगा या जो हर पेज का, हर वोटर लिस्ट की छानबीन नहीं होगी, हमारी जीत नहीं होगी। तो इसलिए वो काम मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ, आपके स्वाधीन कर रहा हूँ। आप पूरा वो काम करेंगे, हमको जीत दिलाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ।